धन्य हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात आप सभी को बताऊं, सास माँ का स्वरूप होती है, बहुओं ध्यान देना, सास माँ का स्वरूप होती है, बहु बेटी का रूप होती है, सास माँ का स्वरूप होती है। बहू किसका स्वरूप है? बहू क्या है? बेटी। और सास क्या है? माँ। जब कोई बेटी अपने ससुराल जाती है, जब बेटी जाती है बहू बनकर, जब बेटी जाती है बहू बनकर, सिर्फ दौ सिर्फ ममता की भूख होती है, सिर्फ ममता की भूख होती है। अगर ससुर का और बहू का प्रेम हो, बहू का सास का प्रेम हो, देवरानी जेठानी का प्रेम हो, तो आप बताइए घर घर है कि मंदिर? जोर से बोलिए। बहू को और कुछ नहीं चाहिए, बस सास दो काम करना बंद कर दे, कभी भी उसकी माँ को मत बुरा कहे। आजकल बिटिया गलती करती तो लोग कहते हैं, अरे जैसे कांकर वैसे बिया, जैसे माई वैसे धिया। अब गलती बिटिया की, अब गाली। अब बेटे को सबसे बुरा वो शब्द लगता है जब कोई उसके नैहर की बुराई करता है, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उसके नैहर की बुराई की तब कोई बात नहीं, अगर वो तुम्हारी बुराई करने लगे तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक सासू हमारी कथा में आई, ध्यान से सुनना, 10 मिनट और कथा है, उसके बाद झांकी आ जाएगी। मैं आप लोगों को बताऊं, एक जगह कथा कह रहा था, एक सासू आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहू तो एकदम कुलक्षणी आ गई। हमने कहा क्यों? कहा कि गुरुजी 9-9 बजे तक सोती रहती, बिस्तर वे नहीं छोड़ती। हमार हाउ जो दहिजरा है, दहिजरा वो क्या करता है, सुबह में उठ जाता है, ए का बनावे, तक कहियो पनीर पराठा, कहियो गोभी पराठा, कहियो मेठी पराठा बना करके खिलाता है। अगर कहीं थक जाती तो सर पांव भी दबाता है। लेकिन गुरुजी हमारी जो बिटिया है बड़ी खुशहाल है। हमने कहा क्यों? कहा हमारी जो बिटिया पहुना है बाबा, अगर वो बेचारी खाली ऐसे कह दे हे, तो तुरंत हथवा जोड़ के खड़ा हो जाता। वो बेचारी कह दे कि जरा हमारे लिए अपने सासू को मार दो, तो तुरंत मार देते हैं, गाली दे देते हैं। हमने कहा अम्मा अगर तुम्हारी बिटिया को नौकर चाहिए तो तुम्हारी बहू को भी नौकर मिल गया तो क्या दिक्कत है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बिटिया को अगर नौकर मिल गया तो कोई बात नहीं, और अगर बहू को नौकर मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छा इतने लोग बैठे, ईमानदारी से बताइए, जब आप सभी कहीं होटल वोटल में जाते हैं, 2000 रुपया दे करके रात रुकते हैं, तो होटल वाले को खाली भैया चाय लाओ, अभी सर लाया, पानी लाओ लाया, तो ये जो बेटियां बैठी हैं इनका बाप भी तो 2-4 लाख देता है, तो इनको काम करना चाहिए कि घर बैठ के खाना चाहिए? अरे भाई जब तुम 2000 में होटल बुक करके और रात भर नौकरी करवाते हो होटल वाले से, तो इसके बाप ने भी तो 2-4 लाख दिया है। आज के बाद जो लोग दहेज मांगे, सभी बेटियों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, भले बुरा लगे कल हमको गाली दे लेना, कोई दिक्कत नहीं, मत बुलाना अगले साल, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आज के बाद कोई दहेज मांगे तो सासू जब कहे बेटा चाय बनाओ, तो कह दो अम्मा जी 4 लाख दे करके आई हूँ, जिम्मेदारी हमारी नहीं, तुम चाय बनाओ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि 4 लाख में जब हमारा सौदा पट गया है तो काम हम काहे करें, काम तुम करो। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? दहेज मत मांगना, क्योंकि दहेज मांगने से आपकी बेटी, आज कई लोग कहते हैं हमें सीता जैसी बहू नहीं मिली, बुरा मत मानना, तो एक बात कहूं, सीता जैसी बहू इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आज दहेज दे करके सूपनखा महलों की रानी बन जाती है, और दहेज के कारण कोई सीता बेचारी झोपड़ी में तड़प तड़प करके मर जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान के, बोलो है ना। हमारी माताएं जब मंदिर में जाते कहते हैं हे भगवान सुंदर बहू देना, भगवान ने बहुत सुंदर दे दिया सूपनखा,
रुचिर रूप धरित प्रभु तह जाई। सुंदर आ गई, अब जब आकर के घर भर को सताने लगी तो बोली हे भगवान ऐसा काहे दे दिया। भगवान बोले पहले अपना पत्र देख क्या लिखा था, सुंदर अब सुंदर दे दिया। तूने सुशील थोड़ी मांगा था, संस्कारी थोड़ी मांगा था, सुंदर मांगा था, सुंदर ले जा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ध्यान देना, अगर आज का भी नौजवान सीता जैसी पत्नी चाहता है तो अगर बुरा ना मानना तो बताने जा रहा हूं, राम जी सीता जी को कब पाए, जब धनुष तोड़ा। बोलो है ना, धनुष क्या है, बोले अहंकार, अहंकार सुबुद्ध हरि। जब अहंकार टूटा तो राजा दशरथ और जनक एक हो गए। बोलो है ना, जब धनुष टूटा तो सीता और सुनैना एक हो गई, जब धनुष टूटा तो राम और सीता एक हो गए। और प्यारे आज भी एक धनुष है जिसके नाते सीता जैसी बहू नहीं मिल पा रही है। कहो तो बताऊं वो धनुष कौन सा है। अरे जब से शादी और ब्याह दुकानदारी हो गई, जब से शादी और ब्याह दुकानदारी हो गई, बेटी जन्म के धनुष जैसा भारी हो गई, बिटिया जन्म के धनुष जैसा भारी हो गई, जब से शादी ब्याह दुकानदारी हो गई, जब से शादी ब्याह दुकानदारी हो गई, बेटी जन्म के धनुष जैसा भारी हो गई, बेटी जन्म के धनुष जैसा भारी हो गई। आज भी एक धनुष है दहेज वाला है, अगर दहेज वाला धनुष टूट जाएगा तो निश्चित रूप से सीता भी, आज सीता जैसी पत्नी आज के भी नव युवक को मिल जाएगी। और ध्यान देना, उस धनुष को राम ने तोड़ा था, किसने तोड़ा था, जनक जी के अहंकार रूपी धनुष को किसने तोड़ा था, राम जी ने तोड़ा था। लेकिन आज के धनुष को ना कोई धनवान तोड़ सकता है, ना कोई बलवान तोड़ सकता है, ना पहलवान छोड़ सकता है, ना बुद्धिमान तोड़ सकता है। इस दहेज के धनुष को अगर तोड़ सकता है तो कोई राजघाट का नौजवान तोड़ सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर हमारे देश के नौजवान संकल्प कर ले कि मुझे दहेज नहीं लेना है तो सीता जैसी बहू आपके घर में जरूर आएगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आगे चर्चा सुनिए। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आज तक एक जैसा रिश्ता किसी को मिला है क्या? लेकिन रामायण देखना, अच्छा लगे तो नोट करते जाना। रामायण में समधि समधि का गुण बैठा। कहो कैसे? जनक जी का नाम क्या है? अवधेश। और राजा दशरथ, जनक जी का नाम क्या है? मिथिलेश। और दशरथ जी का नाम क्या है? अवधेश। तो अवधेश में चार अक्षर और मिथिलेश में चार अक्षर, संधि संधि का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे बढ़िए। कहा अयोध्या में जो नदी बहती है उनका नाम है सरजू, और मिथिला में जो नदी बहती है उनका नाम है कमला। तो नदी नदी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सरजू में तीन अक्षर और कमला में तीन अक्षर। और आगे बढ़ी। विश्वामित्र जी में साढ़े तीन अक्षर और विश्वामित्र जी में साढ़े चार अक्षर और सतानंद में साढ़े चार अक्षर। ध्यान देना, तो पंडित पंडित का गन्या बन्या मिल गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे बढ़ी। सुनैना में साढ़े तीन अक्षर और कौशल्या में साढ़े तीन अक्षर। तो समधिन समधिन का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और आगे बढ़ी। राम जी में दो अक्षर और सीता जी में, राम सीता जी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मण में साढ़े तीन अक्षर और उर्मिला में साढ़े तीन अक्षर। तो लक्ष्मण उर्मिला का गुण बैठ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शत्रुघ्न में साढ़े चार अक्षर, सुकृति में साढ़े चार अक्षर। तो सुकृति और शत्रुघ्न का गुण बैठ गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भरत में तीन अक्षर और मांडवी में तीन अक्षर। तो भरत जी का और मांडवी जी का गुण बैठ गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसा बढ़िया रिश्तेदारी आज तक किसी का है? ईमानदारी से बोलो, ऐसी बढ़िया रिश्तेदारी आज तक किसी की है?
नहीं है प्यारे, लेकिन अब बाबा जी लिखते हैं सब मंचन ते मंच सुंदर सुखद विशाल। और उसी मंच पर राम लक्ष्मण और गुरु जी बैठे। राजा जनक जी ने कहा बिरदावली करो, बिरदावली वाले आए और आकर के बोले नृपतव विधु शिव धनु कठोर विधि सब काहु करो कठोर। क्या कहा ध्यान से सुनना, हे राजाओं आपकी शक्ति चंद्रमा के समान और धनुष राहु के समान। अब इस चौपाय का अर्थ समझ में आए तो प्रेम से सुनना, एकदम ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं राजा जनक, बंदी क्या कह रहे हैं, हे राजाओं आपकी शक्ति चंद्रमा है और धनुष है राहु। अच्छा चंद्रमा राजाओं को क्यों कहा, क्योंकि चंद्रमा में दाग है कि नहीं, ईमानदारी से बोली। बंदी कह रहे हैं हे राजाओं जैसे चंद्रमा में दाग है वैसे तुम्हारे अंदर भी दाग है। और ध्यान देना चंद्रमा इसलिए कहा कि जैसे चंद्रमा कितना भी प्रकाश दे दे लेकिन अंधेरा नष्ट नहीं कर सकता। बोलो हाँ हाँ, अंधेरा को नष्ट करना हो तो चंद्रमा करेंगे कि सूरज करेंगे, ईमानदारी से बोलो। अरे कोहरा आ जाए, कोहरा चंद्रमा नष्ट करते हैं कि सूरज, ईमानदारी से बोलो, कोहरा कौन नष्ट करता है। तो तुम चंद्रमा हो और राम जी सूर्य हैं, यानी अंधकार को हटाना चंद्रमा के बस की बात नहीं, अंधकार को हटाना तो सूर्य के बस की बात है। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तुम चंद्रमा हो और चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी को अपना जबरन पत्नी बना लिया था कि नहीं बना लिया था, तारा को ईमानदारी से बोलो। तो जैसे तुम अपने गुरु पत्नी गामी हो, जैसे चंद्रमा गुरु पत्नी गामी थे, वैसे भगवान की पत्नी पर तुम दृष्टि लगाए बैठे हो राजाओं, अरे तुम भी चंद्रमय हो। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रमा में ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है। तो कहा जैसे चंद्रमा में ग्रहण लगता है वैसे तुम्हारे बल में ग्रहण है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा एक बात और बताऊं, चंद्रमा क्यों कहा, कहा चंद्रमा इस नाते कहा कि चंद्रमा कितना भी प्रकाशमान क्यों ना हो जाए लेकिन सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश सूर्य से उधार लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्रकाश उधार लेते हैं वैसे यहाँ जितने लोग चमक रहे हो अपने बल से नहीं, ये सूर्य देवता के बल से चमक रहे हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब राजा खड़े हुए, ध्यान से सुनना, धनुष तोड़ने के लिए राजा खड़े हुए। और जब राजा खड़े हुए तो पता है बाबा जी लिखते हैं मूछ ऐंठ कर अचल पड़े। अब बाबा जी लिखते हैं कि परिकर बांध उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर दीजिएगा। अब चौपाई पढ़िए, चौपाई में लिखा क्या है, कितने राजा आए हुए हैं कहो तो बताऊं, देश देश के भूपति नाना। अच्छा हमारे यहां नाना किसको कहा जाता है, जोर से बोलो, नाना किसको कहा जाता है, जो बिटिया का बेटा होता है वो बिटिया के बाप को क्या बोलता है, नाना। तो ऐसे ऐसे राजा आए हैं जो बेचारे पहलवे से नाना बने हैं लेकिन विवाह करने की इच्छा वह भी लेकर आए हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब वो कितने बूढ़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परिकर बांध चार छठ सेवक पकड़े, अब पकड़ करके बेचारे को खड़ा किए और खड़ा करके बेचारे जैसे लेकर के गए धनुष तक,
अभी अकुल आई, जल्दी धनुष टूट जाए, जल्दी धनुष टूट जाए। तब तक राजा जनक ने कहा सुनो, धनुष के पास केवल एक राजा जाएगा, अब बाकी परिकर नीचे। अतः से बाबा जी लिखते हैं, चले इष्ट देवन सिरुनाई। जब इनको देखा ही बेचारे धनुष तोड़ने खड़े हुए, अब खड़े होकर के लगे गिरने बार बार, लगे गिरने बार बार। तो जिन देवताओं की ये पूजा करते थे वो देवता बोले, हे भगवान, जब ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो धनुष क्या संभालेगा। इस नाते देवता सर झुका करके चल दिए, बोले सच्चिदानंद भगवान के, चले इष्ट देवन सिरुनाही। देवता सर झुका करके चल दिए, बोले जब ये अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तब ये धनुष को क्या संभालेगा। इस नाते चल दिए। तभी रावण आया। कौन आया? रावण। क्योंकि रावण सो रहा था, जानकी जी ने भिक्षु का रूप धारण किया, रावण को जाकर के बताया। रावण आया और रावण जैसे आया, अब ध्यान देना, एक दिन की बात, रावण ने सोचा कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाई जाए। रावण ने सोचा स्वर्ग की सीढ़ी कैसे लगावे, तो ये स्वर्ग तक देखने गया। रावण कहाँ गया? स्वर्ग में देखने गया। लेकिन जैसे स्वर्ग पहुंचा तो ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, हमारी मुक्ति होगी कि नरक? ब्रह्मा जी ने कहा, रावण हम क्या बताएं, तुम खुद ही पढ़ लो। रावण जब अपना भाग्य रेखा पढ़ने लगा तो उसमें दिखाई पड़ा जिंदगी भर पाप। रावण बोला, स्वर्ग की सीढ़ी बाद में लगाएंगे, पहले मुक्ति का तो उपाय करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की, जिंदगी भर तो पाप ही किए हैं, अब स्वर्ग की सीढ़ी कैसे लगाएंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी? तो जाकर के जानकी जी का तपस्या किया, माता लक्ष्मी जी का तपस्या किया। माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और कहा, हे रावण, अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो तो तुम मुझे अपने लंका लेकर के चलना। रावण ने कहा कि मां, मेरी बदनामी होगी। तो कहा लक्ष्मी जी ने कि बेटा रावण, बदनामी तो तेरी होगी लेकिन मुक्ति पाने के लिए इससे बड़ी और युक्ति नहीं है। और ध्यान देना, अगर आप लोग रावण को कहते हैं कि रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो उठा करके पढ़ना रावण, वहां पर लिखा है कि बंदहु चरण मनहु सुख पावा। रावण पहले सीता जी को प्रणाम किया, फिर लंका लेकर के गया। और कम रामायण में उठा करके पढ़ना आप लोग, लिखा है कि रावण ने जो जिस भूमि पर सीता जी थी उस भूमि के सहित ही उठा करके सीता जी को लेकर के गया। किसी ने कहा, रावण भूमि के सहित लेकर के क्यों जा रहा है? कहा कि मेरे लंका की भूमि है अपवित्र और सीता जी का चरण है पवित्र, मैं अपनी मां जानकी को लंका की भूमि पे कदम रखने नहीं दूंगा। इस नाते कम रामायण में लिखा है कि रावण धरती के सहित ही सीता जी को उठाकर लेकर के गया था। भाई आप लोग संशय मत करना, क्योंकि रामायण सतकोटि अपारा, नाना भात राम अवतारा। रामायण कई करोड़ है, अब किस रामायण में क्या लिखा है सबकी पहुंच। भाई जो जितना डूबेगा उतने गहराई तक जाएगा, और जितना गहराई तक जाएगा उतना थाह लगाएगा। तो थोड़ी देर की आप चर्चा सुने। रावण उसके बाद आया, फिर शिव जी की तपस्या किया। शिव जी ने रावण को धनुष दिया और कहा, हे रावण, इस धनुष के माध्यम से सीता तुम्हारे पास जाएगी। और रावण धनुष को लेकर जाने लगा। शंकर जी ने कहा, रावण ठहर जा, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रावण धनुष तो लेकर जा रहा है, लेकिन ये धनुष कहीं नीचे मत रखना। रावण धनुष लेकर चला। देवता घबराए कि अगर ये धनुष लेकर रावण चला गया तो राजा जनक जी का क्या होगा, क्योंकि जनक जी ने तो सीता को पुत्री मानने के लिए तपस्या किया है। लेकर जा रहा था तभी रावण को बड़ी जोर का शंका लगा, और रावण ने एक ब्राह्मण जो भगवान ही थे उनको बुलाया और धनुष हाथ में दे दिया। और जैसे धनुष दे करके रावण चला, ब्राह्मण देवता के हाथ से धनुष नीचे गिर गया। मिथिला से 25 किलोमीटर दूर जहां धनुष धाम बना हुआ है वहां पर धनुष गिरा। और उसके बाद रावण उठाने का पूरा प्रयास किया पर धनुष वहां से उठा नहीं पाया। फिर जनक जी ने 500 हाथियों के द्वारा धनुष को मखशाला में पहुंचवाया था। कितने हाथियों के द्वारा? 500 हाथियों के द्वारा। अब आप पूछेंगे कितने किलोमीटर का धनुष था,
तो ध्यान देना, मानस ब्रह्मभंजनी पृष्ठ संख्या 494 वहां पर उठा करके पढ़ लीजिएगा। 50 किलोमीटर का धनुष था बोले सच्चिदानंद भगवान की। कितना किलोमीटर कहाँ लिखा है? मानस ब्रह्मभंजनी पृष्ठ संख्या 494 अध्याय संख्या 73 इलाहाबाद से प्रकाशित ये पुस्तक होता है। इसको मंगा करके आप सब पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर का धनुष था। रावण ने देखा, बहुत प्रयास करने पर भी जब ये धनुष नहीं ले जा पाया, रावण चला गया। और आज वही सीता जी ने रावण को बताया, रावण अब वो दिन आ गया है। रावण विमान पे बैठ करके जा रहा था और नीचे उतर करके आया। आनंद अध्यात्म रामायण में लिखा है कि रावण ने सोचा कि धनुष में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको तोड़ा जाएगा। तो रावण ने रात्रि के समय में ही धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। अध्यात्म रामायण में पढ़िएगा, रावण जैसे धनुष को उठाया, इसके धोती का लांग खुल गया बोले सच्चिदानंद, मलमूत्र निकल गया। रावण सोचा ये तो रात का बात है, अगर कहीं सुबेरे ऐसा कुछ हुआ तो बड़ी बेइज्जती होगी बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी नाते रामचरितमानस की चौपाई पढ़िएगा, क्या लिखा है? रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण धनुष को छुआ ही नहीं। क्यों? का अगर छूंगा तो जैसे तब हुआ, अगर ऐसे अब हो जाएगा तो बड़ी बेइज्जत हो जाएंगे बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसी नाते रावण बाण छुआ नहीं चापा। लेकिन जब रावण धनुष नहीं उठा पाया तो राम जी के पास गया। हे राम, तुम्हारे बाएं हाथ पित मरण और बनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे दहिने हाथ रावण का सत्यानाश लिखा। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। और छल से बल से या कौशल से सीता लंका में, सीता लंका में जाएगी। तो हे करुणा निधान कृपा करके यह अपना नाम बचा ले। करुणा करके प्रभु अपना नाम बचा लेना। मैं सीता को हर ले जाऊं, प्रभु चरण में मुझे बुला लेना। अब अधिक नहीं कुछ कह सकता, अच्छा तो अब चलना होगा। है अंतिम बार प्रणाम मेरा।